लंच भेजा है मम्मी ने। चलो आ गए तो दुकान पे बैठो, बैंक जाना है मुझको। पर पापा ध्यान रखना इसका। एक टाटा स्काई का डेली रिचार्ज देना। एक डेली रिचार्ज छोटू। हाँ ये लो। ये तो वाउचर है जी, आपका फोन नंबर दीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे भैया पर ये तो इन्हीं के फोन से होगा ना। तो फोन दे दो। इट्स ओके, आई नो व्हाट टू डू, थैंक्स। नीलू नाम है। नहीं नहीं शिफ्ट। आई तो नहीं? अब आ गई। हेलो जी। ये काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, दूसरा ले लो। छोटू दूसरा दे। कौन से नंबर से मैसेज किया था जी? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू दूसरा दे दे। हाँ जी। अब मेरे नंबर से। नंबर क्या पता है? 8715836। रजिस्टर्ड नंबर है? नहीं, वो तो पापा का नंबर है। तो उनके नंबर से करो ना जी, सही काम करेगा। ओके। पापा के नंबर से। अब वो लास्ट टू डिजिट्स। हेलो जी। हाय। आपका नाम नीलू है ना? तो आपको मेरा नाम पता है? हाँ, वो छोटू ने। क्यों नहीं पता होना चाहिए? हाँ, ये आपका डेली रिचार्ज। और जी हाँ, मेरा नाम मनु है। आई नो। आपका तो सभी कुछ आई नो ही होता है जी। नहीं नहीं कोई नहीं जी, कल दे देना, कल तो आप आएंगी। आएंगी ना। हेलो नीलू। हाय। वो आप दो दिन आए नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगे ना उस दिन रास्ते में आपको ऐसे मिले? परसों आपके यहाँ पे लाइट थी। नहीं तो ओह करेक्ट। और कल? कल मेरी छोटी बहन का एग्जाम था, इसलिए टीवी ही नहीं चलाया। भैया आपने यूं ही दो दिन टेंशन में निकाल दिए। हाँ नहीं तो। हो गया। श्रीनगर जो आज अभी ये है सामान की लिस्ट, और टेम्पो में सामान लाद के लाना। अंकल ये 4 फुसफुसा 2 नंबर की बैंगल और लिख लो। और कुछ? हाँ जी। अंकल जी वो मनु भैया श्रीनगर गए हैं ना? हाँ। देखो क्या चाहिए। नहीं इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। अंकल जी मनु भैया शाम को आ जाएंगे। चल अपना काम कर। अच्छा सुनो, मार्केट जा रहा हूँ मैं, ब्रेड दूध अंडा चावल और शैम्पू लेता आऊंगा। और पापा टाटा स्काई का डेली रिचार्ज भी। छोटी पापा 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 ब्रेड दूध अंडा चावल शैम्पू में लेके आ जाऊंगी, और रिचार्ज भी। आप यहाँ पे रुको। I'm sorry। इसे क्या हुआ पता नहीं। हाय नीलू। हाय। वो पापा दुकान में है। एक्चुअली कल पापा ने मुझे श्रीनगर भेज दिया तो मैं तो हम एक दिन नहीं मिले तो कुछ नहीं। एक दिन नहीं मिले तो वैसे भी मैं रिचार्ज लेने ही आती हूँ, और कल ना मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, तो कल भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बेटा। इट्स ओके अंकल जी, मैं बाद में आती हूँ। यार छोटू ये लड़की बार बार बोलती है मैं बाद में आती हूँ। पता नहीं अंकल जी,
मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई मैडम। रिचार्ज देने बाद में आती नीलू। डेली रिचार्ज देना। इतना नाराज हो गई, तीन दिन से एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। छोटू, मेरे कजन की शादी थी इसलिए हम दिल्ली गए थे, और आज इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई तो है पर छोटू से बात कर रही है। शाम 5 बजे चर्च पर मिलना। पहली बारफ की तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल पिघल रहा, मेरी दुनिया बदल रही। आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, मैं रिचार्ज लेने आऊंगी दुकान पे, और तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं छोटू को भेज दूंगा। तो हम मिलेंगे कैसे? वैसे जैसे आज मिले। डेली मिलेंगे तो प्यार तो होगा ही,